नमस्कार। 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ प्राथमिक शालाओं में स्थानीय जो बुजुर्ग हैं उनके माध्यम से कहानी सुनाया जाना है, जिसके तहत हमारे यहाँ हमारे रोहनागुड़ा ग्राम से कुछ गणमान्य नागरिकों को बुलाए और उनके माध्यम से कहानी सुनाए, तो बच्चे भी जो है बहुत रोचक पूर्ण ढंग से उसको सुने और उनके अर्थों को भी बताया गया तो बहुत अच्छे ढंग से सुने, जो स्थानीय मतलब हमारे लोकल भाषा में उड़िया भाषा है और इस उड़िया भाषा में जो है उस कहानी को सुनाया गया, तो बच्चे जो है हिंदी की अपेक्षा उड़िया को बड़े शांति के साथ सुने, तो आपको भी हम उस कहानी का कुछ अंश सुनाने का कोशिश करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। इसके अलावा मैं भी जो हमारे बड़े बुजुर्गों से कुछ कहानी सुना था छत्तीसगढ़ी में, उसको उड़िया में ट्रांसलेट करके मैं आपको सुनाऊंगा, इन बच्चों को भी सुनाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गोटे बूढ़ा बूढ़ी रहने हिंदी में बोलता हूँ जी। एक ठो गांव में डोकरा और डोकरी थे, तो डोकरा डोकरी के पांच बच्चे थे, ठीक है। पांच बच्चे में तीन लड़की और दो लड़का, तो तीनों लड़कियों का शादी हो चुका था, ठीक है। तीनों लड़की का शादी हो चुका था और उसके बाद दो लड़के लोगों का भी शादी हो गया था जी। तो अब डोकरी डोकरा अकेले थे, उसके बाल बच्चे लोग चले गए थे, उसके बेटी लोग थे, तो वो बेटी लोग अपना ससुराल चले गए और लड़के लोग अपना शादी होके अपना अलग अलग रहना चालू कर दिए, है कि नहीं। तो जवान रहते तक तो डोकरा डोकरी लोग काम करते थे और काम करने के बाद घर को आते थे और खाना वाना बना के खाते थे और सोते थे जी। तो ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, डोकरा डोकरी लोग और थोड़ा डोकरा डोकरी बन गए हैं। उनको काम कुमी करने के लिए तकलीफ जाता था और जो कुछ मिल जाता था उसको लाते थे और शाम को खाना बनाते थे और खाते थे। जिस दिन नहीं मिलता था उस दिन उन लोग भूखे रह जाते थे जी, है कि नहीं। किसी दिन कोई चना दे दिया तो चना को खाते थे, किसी दिन किसी का चावल मिल गया बचा वाला तो उसको खाते थे, ऐसे करके इन लोगों का दिन चलता रहा, है कि नहीं। तो एक दिन क्या होता है, डोकरा और डोकरी दोनों खाना खाते रहते हैं जी। शाम का समय रहता है जो है भात को निकाल दे रहती है ऐसे, है कि नहीं, डोकरा के लिए जी। और डोकरी जो है अपने लिए खाना निकालते रहती है, डोकरा के लिए निकाल दे रहती है ना। उसी समय एक ठोक भिखारी आता है मांगने के लिए, भिक्षाम देही ऐसे करके बोलता है, ठीक है, भिक्षाम देही करके आता है बाहर में। तो डोकरा बेचारा ऐसे करके खाऊंगा बोलती रहने और देखता है भिखारी आ गया, और डोकरी जो है घर भीतर में उसका लिए ऐसे काटते रहती है निकालते रहती है खाना को, ठीक है। तो डोकरा द्वार में रहता है जी, खाते रहता है, खाऊंगा बोल के ऐसे करके उठा रहता है गरसा को और डोकरी जो है भात को निकालते रहती है। तो उसी समय भिक्षाम दे ही करके एक जोक आ जाता है। आने के बाद डोकरा समझ में नहीं आता, डोकरा को बोलता है भिखारी, मैं 8 दिन से नहीं खाया हूँ बाबा, मेरे को खाने के लिए कुछ दो, ऐसे करके बोलता है जी, ठीक है। तो मेरे को वो जो है सोच में पड़ जाता है, अरे मैं ये कैसे करूं बोलता है, उसका वाला खाना को भिखारी को दे देता है और डोकरी आती है, हैं तोर भात किंती गला बोलती है, किसको, उसका पति को। तो वो बोलता है कि एक ठो भिखारी आया था, वो भिखारी जो है मेरे को खाना मांगा, खाना मांगने के बाद मैं उसको दे दिया, वो 8 दिन से नहीं खाया हूं बोल रहा था तो दे दिया बोलता है डोकरा। तो उसके बाद वो डोकरी बोलती है, तोर भात के दी दिलू तु जनता कर बुआ बोलती है, हैं मैं तुम्हारा खाना को दे दिए, तुम्हारा गलती है, तुम जैसे भी करो बोलती है। फिर डोकरी जो है उसको माने गुस्सा हो जाती है खिजरा ही जैसी और बोलती है और भीतर जाके उसका वाला को गवा गव खा देती है। और डोकरा जो है उसी भात को माने दे दिया रहता है तो वो जो है भूख में मतलब सो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे उनका दिन चलता रहता है 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 चलता रहता है। और एक दिन डोकरा और डोकरी जो है क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं, मोरी जैसत, है कि नहीं। तो उसके बाद मरने के बाद डोकरा जो है अगले जन्म में पैदा होता है किसके घर में, उसका
उसका बेटा के घर में कहा, उसको बेटा के बाद नाती पुती हो गया नहीं जी, डोकरा उसका बेटा के यहाँ पैदा नहीं होता। डोकरा जो है अगले जन्म में पैदा होता है राजा के घर में, है कि नहीं? डोकरा किसके घर में पैदा होता है? राजा के घर में। और डोकरी किसके घर में पैदा होती है? वो नरक में चले जाती है। वो राजा को याद रहता है उस बात को, पिछले जमाना का बात को याद रहता है कि अरे यार, उस किसी किसी को याद नहीं रहता, लेकिन वो कहानी में याद है कि नहीं? तो डोकरा को अपने पुराना जमाना का बात याद रहता है। क्या याद रहता है? कि मैं पिछले जमाना में उसको एक थाली भात दिया तो आज मेरा भगवान जो है मेरे को राजा के घर में मैं जन्म लिया, ऐसे करके उसको याद रहता है, ठीक है? तो वो सोचते रहता है, वाह मैं एक थाली भात दिया तो मैं राजा के घर में जन्म लिया, ऐसे करके जानते रहता है। तो वो जो है हर दिन बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाता है। भारत के बहुत सारे ब्राह्मण, इतना जानकार व्यक्ति, विद्वान लोग, जो ब्राह्मण नहीं है, जो जानकार वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, पंडित लोग हैं, उन लोगों को बुलाता है और सबको खाना खिलाता है भरपेट, क्योंकि वो अगले जन्म में एक थाली भात खिलाया था कि नहीं? तो इस बार मैं इतना थाली भात खिलाऊंगा कि मैं तो राजा के जगह खूब खिलाता है। और जाते समय एक ठोक प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न जानते हो? इतना का कितना, ऐसे बोलता है ये प्रश्न। क्या प्रश्न बोलो? इतना का कितना है, कितना होगा? इधर खड़े हो जाओ, मान लो इतना का इतना हुआ तो इतना का कितना होगा? इतना होगा है, कितना होगा? इतना होगा। इधर आओ, ये बोलो, इतना का इतना भात खिलाया तो इतना हुआ, तो इतना भात खिलाया तो कितना होगा? इतना होगा, ठीक। तो ऐसे करके सभी ब्राह्मणों को बोलता है वो कि मेरा ये प्रश्न का उत्तर आप देना, और नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा, बोलता है। क्योंकि उसको जिज्ञासा हो जाता है कि नहीं, कि मैं यार पिछले जमाना में एक थाली भात खिलाया तो इस जमाने में इतना थाली भात खिला रहा हूं तो मेरा कितना पुण्य होगा, ऐसे करके उसको जिज्ञासा हो गया, जानने का इच्छा हो गया, ठीक है? कि वो सोचता है, अरे यार मैं पिछले जमाना में इतना थाली भात खिलाया तो इतना हो गया, आज तो इतना सारा ब्राह्मणों को भात खिला रहा हूं तो मेरा कितना उन्नति होगा, इतना आदमी को भोजन खिला रहा हूं तो मेरे को कितना होगा, ऐसे करके उसका मन में जिज्ञासा उठ रहा है कि नहीं? वो सोच रहा है। तो सभी ब्राह्मणों को टेंशन दे रहा है कि तुम लोग कल मेरे को ये सब बताना कि इतना भात खिलाया तो इतना हुआ, इतना भात आज खा रहे तो कितना होगा कल बताना, नहीं बताओगे तो मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा, बोलता है। सभी ब्राह्मण लोग फूल खाते हैं और रात भर जो है टेंशन नहीं सोते ने, कोई पोथी निकल रहा है, कोई पुराण निकल रहा है, कोई कई प्रकार का पुस्तक, कोई गुणा भाग लगा रहा है, कोई क्या रहा है। वो सोचते रहते, अरे यार पिछले साल में वो राजा जो है इतना भात को खिलाया तो आज राजा बन गया, आज इतना जन को खिला रहा है तो कितना होगा, बोल के कई पुस्तक कापी पोथी पुराण माँ बुआ दादी कका बोड़ू सबको पूछते हैं, है कि नहीं? कि इतना भात खिलाया तो इतना हो गया, इतना भात खिलाया तो कितना होगा, बोल के पूरा दिमाग खराब हो, सो सा नहीं रहे हैं, सुबह सुबह से झुमरा झुमरा के आ रहे हैं, क्योंकि राजा का बात को नहीं मानेंगे तो कैसे होगा भाई, अभी मृत्यु दंड मिलेगा। तो उन लोग खा रहे हैं कस के और घर में श्वास नहीं कर रहे हैं और पूरा परेशान हैरान हो जा रहे हैं, कैसे करूं करके, ठीक है। अंत में मृत्यु दंड का पाली आता है, सबसे बड़ा सभा बैठता है राजा का। राजा बोलता है, हाँ महाराज, आप लोगों को उतना खिलाया पिलाया और एक ही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, मैं 50 प्रकार का प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूँ, इतना का इतना हुआ, इतना का कितना हुआ, बोलता है। तो सबके सब सकबका जाते हैं, आज अंतिम दिन है तो फिर कोई बता नहीं पाते, फिर एक दिन का टाइम देता हूँ, यदि आप नहीं बताते हो तो आपको सजा दिया जाएगा, बोलता है। राजा तो अहंकार से भरा हुआ है कि मैं पिछले जन्म में थोड़ा सा पुण्य किया हूं तो मेरे को इतना बड़ा उपाधि मिला, आज जो है इतना बड़ा पुण्य किया हूं तो मेरे को कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, बोल के पूरा सोच रहा है कि नहीं, और खुश हो रहा है कि वाह मेरा लाटरी लग गया ना लगेगा बोल के। तो ब्राह्मण लोग चिंता करते हैं कि हे भगवान, भगवान को उन लोग विनती करते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, हम लोग इस राजा का प्रश्न को खोज खोज के परेशान हो गए हैं, हम लोगों को पता नहीं है, आप ही कुछ रास्ता बताइए, नहीं तो हम कल मर जाएंगे, बोलता है। किसको? भगवान को। अब भगवान भी सोचता है कि मेरे इतने सारे भक्त,
मेरे इतने पूजा पाठ करने वाले इतने परेशान है, परेशान है कि नहीं, वो तो सो नहीं रहे हैं, ये माँ कहता है, बारे कहता है, बाबा बोल रहे हैं, है कि नहीं नींद में। तो अब दूसरा दिन वो भगवान जो है आते हैं ऋषि भेष में, सबका दरबार, सब खाते हैं पीते हैं मस्त, जो खाओगे एक थाली के जगह 50 थाली खाने से भी छूट है न, एक ठुक रसगुल्ला के जगह 10 ठुक रसगुल्ला खाने से भी छूट है न, ठीक है, हाँ तुम जितना खाना है खाओ, लेकिन एक ठुक प्रश्न का उत्तर दो, इतना का इतना, इतना का कितना, ठीक है, जितना का हाँ तो उतना होता है बोलकर राजा को बोलने का था। तो अब अंतिम दिन हो गया, आज जो है राजा को सजा देने का था, यदि नहीं बताने से मार खाओगे, है कि नहीं। तो भगवान जो है दुखी हो जाते हैं, अब मेरे को ही वहीं पे जाना पड़ेगा दरबार में, बोलते हैं। और भगवान जो है उनके दरबार में आते हैं, और आने के बाद ऋषि भेष में आते हैं, ठीक है जी, ऋषि भेष में आते हैं, और उसके बाद बोलते हैं, सबको पूछा जाता है पारी पारी से, चलो जी खड़े हो जाओ, बोलो, चलो जी खड़े हो जाओ, कोई नहीं बोल पाता। अंत में वही ब्राह्मण आते हैं और बोलते हैं, महाराज ये बताइए, इतना का, जैसे मैं किसी को खड़े करता हूं, ठीक है, इतना का, इतना का, इतना, इतना का, इतना, 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 कितना हुआ, बोलो, वो ऐसे बोलते हैं कि, वो राजा बोलता है सबको कि इतना का इतना, तो इतना का कितना बोलता है, तो वो बोलता है, महाराज महाराज मैं क्या बताऊंगा, आप ही खुद बोल रहे हो, बोलता है, अरे मैं क्या बोल रहा हूं भाई, नहीं आप ही उसका उत्तर दे दे रहे हो, महाराज बोलता है, तो मैं क्या उत्तर दे रहा हूं, तुम बोलो, बोलने से, महाराज आप ही बोल रहे हो, इतना का इतना हुआ, इतना का कितना हुआ, ये तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, ना बोल रहे, ये कुछ नहीं हो गया कि नहीं, पानी को ऐसे पकड़े हो, उसको इतना धरोगे और उस पानी को ऐसे कर दोगे तो पानी रहेगा था क्या, नहीं। तो आप खुद बोल रहे हो कि इतना का और कुछ नहीं है, मतलब क्या है, आप लोग जो है पंडित लोगों को खिला रहे हो, पिला रहे हो, है कि नहीं, और टेंशन दे रहे हो, क्या टेंशन दे रहे हो, कि तुम यदि इस प्रश्न को नहीं बताओगे तो तुमको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, ऐसे करके बोल रहे हो। तो इन लोग खा रहे हैं दिन भर और रात में सो नहीं रहे हैं, हमेशा जगे हुए हैं, जगे हुए हैं, पोथी पुराण को खोल रहे हैं, पलट रहे हैं, तो उसी टेंशन में जो है इनको नींद चैन हैरान है, सब दुखी हैं। तो इसका आपको सोचो, इतने ब्राह्मण को आप दुखी दे रहे हो तो कितना पाप लगेगा, और कुछ पुण्य बचा क्या, नहीं, नहीं बचा, इसका मतलब इतना का इतना, इतना का कितना, इसीलिए जो है आपको, और इसका बहुत बड़ा सोच लीजिए, इतने ब्राह्मणों को आप दुखी कर रहे हो, इतने ब्राह्मणों को जो है परेशान कर रहे हो, मतलब और जिंदगी में और कुछ बचा नहीं है, मतलब आप जो है बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलता है, कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं लालच के साथ नहीं करना है, यदि लालच के साथ करेंगे तो उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, मतलब इतना का इतना हुआ, इतना का और कुछ नहीं, क्योंकि इतने जन को टेंशन दे रहे हो, इतना जन खा रहे हैं और रात को सो नहीं रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, 24 घंटा है माँ है बुआ मारवा ने राजा बोल रहे हैं, तो उसका पाप मिलेगा कि नहीं, तो और तुम्हारा नर्क में जाना निश्चित है बोल के बोलता है कि नहीं। तो इतना का इतना, इतना का और